हे गाइस, सो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मेरी तो हालत डाउन है दो दिन से। कल इसलिए ब्लॉग नहीं आ पाया क्योंकि मेरे को पूरा खतरनाक वाला बुखार और सर दर्द हो रहा था। तो फिर शाम को जब दवाई खाई तब जाके थोड़ा सा रिलीफ मिला। अभी भी बट खांसी वगैरह हो रही है। अभी मैं जा रहा हूँ अपने ऑफिस और मेरे को ऐसे मार्केट जाना था बट मार्केट नहीं जा रहा मैं सामान लेने, क्योंकि पापा और ताऊ चाचा जा रहे हैं। सुपर राशन वगैरह आज आ जाएगा, वो चले गए और मैं अभी चलता हूँ अपने ऑफिस। अभी 9:40 होने वाले हैं, सो चलता हूँ जल्दी से। कल मैं गया नहीं था सो चलते जल्दी से। अभी आपने देखा होगा जो बारात जा रही है, चंद्रपाल की बारात जा रही है। सुपर जो आपने इससे पहले वाला ब्लॉग देखा था, सॉरी वो बारह तेरह को नहीं चाहती, 13-14 को थी। तो आज 14 तारीख है, तो ये बारात जा रही है रायवाला साइड। रायवाला जाएंगे यहाँ से। सो मुझे कार्ड देने, मैंने कार्ड दिए थे नानोर के पास, मौसी और के भी थे एक दो, वो भी दे दिए। सो अभी चलता हूँ अपने ऑफिस में। खांसी हो रही है, अब खतरनाक हालत डाउन हो रही है मेरी बहुत ज़्यादा। सो आई होप जल्दी ठीक हो जाऊँ, चलते चलो ऑफिस में। एंड सो गाइस, अभी बैठे हैं अपने ऑफिस में और दिन का वक्त हो चुका है, लंच करने का टाइम भी हो गया, 1:02 हो रहे हैं। सो मन तो नहीं कर रहा बट खाना पड़ेगा, नहीं तो हालत और डाउन हो जाएगी। खाना पीना नहीं छोड़ना चाहिए कुछ जुकाम बुखार में। सो अभी कल से बेटर है, सो चलता हूँ मैं लंच करने के लिए, थोड़ा खा लूँगा चलेगा। और आज जो है मकर संक्रांति है, मकर संक्रांत बोलते हैं हम अपने गांव में। और सुबह सुबह पकौड़ियाँ वगैरह बनाई थी और लोग आज गंगा नहाने भी आते हैं। हमारे गांव से काफ़ी लोग आते हैं गंगा नहाने, मकरण बोलते हैं, मकरण नयन जान बोल। सो चलता हूँ मैं लंच करने के लिए। तो आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। सो चलता हूँ मैं नीचे जल्दी से। सो खाना खा के तो मैं आ गया बट बॉडी जो है ना काम नहीं कर रही भाई। आउच, ऐसा मन कर रहा है कि लेट जाऊं बस। पापा और गए ऋषिकेश सामान लेके आएंगे। सीढ़ियाँ नहीं चढ़ जा रही मेरे से, हाथ पैर ऐसे टूट रहे से हो मेरे। आहा, ऐसे बुखार पहले नहीं आएगा अभी, नेवर। बस 1:30 तो बजने वाले, वो भी आने वाले होंगे, फिर मैं चले जाता हूँ घर। काम होगा तो ठीक, मैं तो चले जाता हूँ घर। भाई यार आज कल तो पूरे दिन भर लेटा था मैं, कल वाला ब्लॉग भी नहीं आया। सो आज हिम्मत ये खड़े उठ जाऊँ, नहीं तो लेट लेट के ज़्यादा ही हो जाता आदमी फिर। तो गाइस, अभी मैं घर पहुंच चुका हूं और जो सामान वगैरह था शादी का, वो राशन वगैरह वो खा चुका है। सो गाड़ी अभी शिवपुरी में थी तो मैं उससे पहले गया, बाइक खरीद कर देता हूं और फिर सामान लेने जाएंगे। उससे पहले बैग रख देते हैं और फिर चलते जल्दी से। सो बोलता हूं इधर आसपास सामान लेने चलो, फिर चलते हैं। अभी सब यहाँ पर बैठे हैं, सामान आने वाला कुछ ही देर बाद। गाड़ी तो शिवपुरी में दिख गई थी मेरे को बट अभी तक आए नहीं, और सभी पे बैठे सामान लेने के लिए। सो गांव में ऐसे होता है जब सामान आता है किसी का या कुछ भी काम रहता है तो सारे आस पड़ोस सबको बोल देते हैं। सो हर टाइम ऐसे होता है, हमारे साथ कुछ काम है तो हम दूसरों को बोलते हैं, तो उनके साथ कुछ काम है तो हमें बोल देते हैं। तो सबको सब लोग मिल बांट के रहते हैं गाँव में, और शहर में तो एक ही अपना आया और बस कुछ नहीं। सो गाड़ी पहुँच चुकी है, चलो चलो। ये बाबा घर तो नहीं है, चलो 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 चलो।
सो फाइनली सारा सामान आ चुका है और कुछ अभी बाहर भी है। सो 10-12 थे हम लाने वाले सारे, पसीना आ गया मेरे को भयंकर। सो दो दो तीन तीन राउंड सबके हुए और जल्दी से सारा सामान हो गया। तो ऐसे होता है गाँव में, सब लोग एक साथ काम करते हैं, इकट्ठा सारा एक ही बार में जितने भी को सबकी हेल्प हो जाती है बस जल्दी से। और जब किसी के यहाँ पे होता है तो सब लोग फिर से इकट्ठा हो जाते हैं, सबका एक साथ में हो जाता है। तो शहर में ये कि पैसे दो और फिर वो करो, बट यहाँ पैसे नहीं था। गाँव में सब लोग मिलजुट मिल बांट के जो भी होता है सब कुछ काम करते हैं। हमारा बन रहा है मटर पनीर और बाहर वाले चूल्हे में बन रहा है आलू गोभी, और फिर उसके बाद रोटियाँ वगैरह बनेंगी। और ये फिर से पहुँच गया आज। ओए क्या तू खा नहीं है? मूंगफली जता है जजा नन्ना नन्ना रुकल बैठ जा। सो आज से क्या तबीयत खराब है, सुबह से इसको उल्टियाँ हुई 2-3 बार क्योंकि ठंड में घूमती रहती है मेरे जैसे, इसकी भी तबीयत खराब है। क्या हुआ तेरे को? क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? उल्टियाँ हुई एक दो बार। क्या खाए तूने ऐसे? पकौड़े ज्यादा खा लिए थे, सो अभी यहाँ पे रोटियाँ बनेंगी, सब्जी हमारे बन गई, 2-3 सब्जियाँ बनी है यहाँ पे खाए जाए। मेरे यहाँ पे मैं कुछ तो करती हूँ नहीं पहली बार आज पहली बार नहीं रोटियाँ मिलेगी पहली बार नहीं ये बहुत गलत बोला जा रहा है। और ये इसने अभी 2 महीने में एक बार भी नहीं क्या रोटी बढ़ रही उन्हीं सलमान ने। अरे मानू कल घर गया था, आज वापस आ गया अपने दादा के साथ, इसके दादा आए। अरे यहाँ पे सब खाना खा रहे हैं। सो सब लोग खाना खा रहे हैं। ऊपर तो हो गया सबका, जो आरखे मेहमान वगैरह सबका हो गया मौसम का, और मैंने तो खा लिए थे पहले ही, भूख लगी थी। 9:15 हो चुका है, तो सब लोग अभी लास्ट में जो बचे ताई और दीपा और मम्मी और सब खा रहे सब लोग। तो चलते उसके बाद सोने की तैयारी है। तो सामान तो ऑल हो ही गया, बट बाद में सब्जियां वगैरह वो शादी से एक दिन पहले आ जाएगा, और बाकी सारी शॉपिंग तो हो ही गई। जैसे कि मैंने जाना था बट मैं नहीं गया, तबीयत सही नहीं थी उस हिसाब से। अब तो नहीं है बुखार, बट खांसी वगैरह थोड़ा बहुत हो रहा है, और अभी मुँह में एकदम कुछ भी खा रहा हो तो कड़वा सा लग रहा है, वो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, मेरा टेस्ट नहीं आ रहा बिल्कुल भी। और यहाँ पे ये वीडियो कॉल किरण दीदी सुमित भाई, मैं भी दिख रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। इंटरनेशनल कॉल फ्रॉम कुवैत टू इंडिया। और ये हमारा भांजा विहान, विहान ओए विहान ओए, शादी में आएगा ठीक है इस बार, फिर से शादी में आएगा। ये प्राणी कुवैत से वापस आने का नाम नहीं लेते, और ये प्राणी पैसे पे ध्यान है कुवैत से बिल्कुल वापस नहीं आ रहे। ये लड़की ये बात मैंने बोली थी। हाँ सो अभी तक सब लोग बैठे थे, सब कर लेते ब्लॉक को एंड। सो आज अपना बिस्तर इधर ट्रांसफर रखो, बाहर अंदर सोइए मेहमान लोग, पापा उधर दीपो इधर। सो चलो ब्लॉग को एंड कर लेते, आई होप आपको आज वाला ब्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। पहाड़ी भाई मनीष, और जल्द मिलेंगे नए ब्लॉग में, तब तक धन्यवाद एंड बाय बाय। जुखाम भी सही नहीं हुआ।